आपकी जरूरत है भारत के साथ रिलेशनशिप, भारत की जरूरत नहीं है आपके साथ रिलेशनशिप। ये हम इस चीज को रियलाइज नहीं कर रहे। आप सर्वाइवल मोड में है, वो तरक्कियों पर जा रहे हैं। इस वक्त अगर देखा जाए तो उनको सबसे ज्यादा एतराज जो है वो हाफिज सईद साहब के और इस तरह के दूसरे लोगों के उनके एतराज है। वो अक्सर वो कहते हैं आप सबसे एक तो उनको देखें, आपने कहा हमने उन्हें सजा दे दी, हमने उनको घर में नजरबंद कर दिया, लेकिन उसकी कई वीडियोस मौजूद हैं कि वो लोगों के साथ घूम रहे हैं, वो अंडर पुलिस प्रोटेक्शन है, आदर किसी यूनिफॉर्म एजेंसी उनको प्रोटेक्शन दे रही है, वो सरेआम घूम रहे हैं, जलसों में तकरीरें कर रहे हैं, तो जाहिर उनको तकलीफ होगी। उनके पास इंटेलेक्ट मौजूद है, उनके पास इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मौजूद है, उनके पास अजय बंगा मौजूद है, उनके पास कैमला हैरिस मौजूद है, उनके पास निक्की हेली मौजूद है, उनके पास विवेक रामा स्वामी मौजूद है, उनके पास यहाँ 5 कांग्रेसमैन मौजूद हैं। हमारे पास क्या है? हमारे पास आज भी भुट्टो जिंदा है। हमने मजहब को कारोबार बना के उसको बंद डब्बे में बंद कर दिया है ताकि लोग इससे मुस्तफीद ना हो सके। यही हमारा आलमिया है। और भारत के अंदर मैं जिस तरह आपको बताना चाहूंगा, रंग रंग की बातें हैं। आप भारत की बात करते हैं, मैंने कई भाइयों मुसलमान भाइयों को इंग्लैंड में देखा है, वो कहते हैं हम इंग्लैंड के अंदर शरिया इन्फोर्स करेंगे। भाई जहां के आप पैदा हुए वहां तो शरिया इन्फोर्स नहीं हो रही है, लंदन में किस तरह इन्फोर्स कर लोगे? मोदी जी के अलावा सिर्फ आज तक विंस्टन चर्चिल और इजराइल के प्राइम मिनिस्टर ने कांग्रेस से 2 दफा स्पीच की। सो ही हैड मेड द हिस्ट्री हियर, नंबर 1। दूसरा उसकी सबसे बड़ी बात यह है कि वो शोकेस करके गए हैं, उन्होंने एक लफ्ज इस्तेमाल किया था, वो विल बिल्ड अ टनल ऑफ इंटेलेक्ट। उन्होंने कहा आपके पास टेक्नोलॉजी है, हमारे पास यूथ है। अभी एससीओ की मीटिंग हुई, इसमें क्रॉस बॉर्डर का टेररिज्म का जिक्र हुआ। उससे पहले यूएस में प्राइम मिनिस्टर मोदी, जो कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर हैं, उनका विजिट हुआ। वहां पे भी ज्वाइंट स्टेटमेंट दी गई क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म को लेकर पाकिस्तान के हवाले से। सर, ये हमारे सर से टैग क्यों नहीं उतर रहा क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म का? क्या हम अभी इन्वॉल्व हैं या हम कभी इन्वॉल्व रहे थे, बट अभी टैग हमारे साथ बिल्कुल पक्का लग चुका है? देखिए उसके इसके दो चार, इसका एक तो माजी है जो बड़ा भयानक माजी है, जो मैं समझता हूं कि जो कॉन्सेप्ट दिया अच्छे तालिबान का बुरे तालिबान का, जो कि मेरे ख्याल में नहीं करना चाहिए था। फिर उसके बाद ये हुआ कि आप बार बार अपनी चीजों को मजहब के साथ अटैच करते हैं। आपने नई जनरेशन को जहनी तौर पर आपने ऑलमोस्ट बैंकक्रप्ट कर दिया उनको। खान साहब की फिर एक दो चीजें ब्लंडर खान साहब ने किए, एक तो उसामा बिन लादेन को उन्होंने शहीद कहा, फिर उसके बाद उन्होंने असेंबली के अंदर खड़े होके कह दिया कि जो अफगानिस्तान तालिबान ने जो है वो शैकल्स अमेरिका की गुलामी से जान छुड़ा ली। फिर इस तरह, फिर उसके बाद एक और चीजें आई हैं आपकी, जब आपका सबसे मोस्ट पॉपुलर जो को खुद वो क्लेम करते हैं, अपनी हर तकरीर शुरू करते हैं अय्या कनाबुदु अय्या कनस्ताइन के साथ, फिर कौम को बार बार ये कहते हैं कि सियासत नहीं है जिहाद है, और उसके बाद जब चीजें प्रैक्टिकली सामने आती हैं फिर दुनिया ब्लेम करती है कि आप जिहाद की वर्जन से आगे बढ़ ही नहीं पा रहे, आपकी हर चीज के अंदर जिहाद इन्वॉल्व है। हालांकि मैं एज ए पाकिस्तानी अमेरिकन ये ऑलवेज कहता हूं कि जिहाद एक एक्सट्रीम वर्ड है, लेकिन आपने अगर यूज करना है तो गुर्बत के खिलाफ करें उसको, जहालत के खिलाफ उसको करें। आप हमेशा उसको एक्सट्रीमिज्म के साथ अटैच क्यों करते हैं? आप उसको हमेशा वायलेंस के साथ अटैच क्यों करते हैं? तो ये हमारी अपनी गलतियां हैं, ये दुनिया आप आपको ब्लेम नहीं कर सकती। आपने दुनिया को सही बावर ही नहीं कराया कि वी आर नॉट इन्वॉल्व इन टेररिज्म एनीमोर। हर सारे सबूत दुनिया के सामने रखें और आपके पास एक प्लेटफॉर्म है, उस प्लेटफॉर्म के ऊपर जाके खड़े होकर बताएं कि वी कंडेम दिस, इसकी एक तो मुजम्मत करें, फिर दुनिया को एविडेंस दें कि वी आर नॉट बिहाइंड इट। लेकिन आपने आज तक उस तरह की कोई अपॉर्चुनिटी अवेल नहीं की, और हमेशा, और दूसरा सबसे बड़ी बात यह है कि दो मेरे ख्याल में एक स्ट्रेस फैक्टर है। आप शहबाज शरीफ साहब ने जब आए पावर में, ये सारे अभी रिसेंटली इन्होंने दिल्ली के अंदर अपना कमर्शियल काउंसलर तो भेज दिया है कि हम ट्रेड की बात करेंगे, लेकिन उसके बाद ट्रेड करना इन्होंने ट्रेड नहीं किया उन्होंने। वो फैक्टर जब भी बात की जाती है, एक दफा खान साहब ने कहा ट्रेड की करना है, लेकिन शाम को स्टेटमेंट चेंज कर गए। लेकिन इसमें, और मैं जाती तौर पर एज ए स्टूडेंट ऑफ पोलिटिकल साइंस, एज ए मैं ये समझता हूं कि जब आपके पास विल हो कुछ करने के लिए, उसका दरवाजा खुला होता है, उसको आप सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन इस वक्त दोनों साइडों पे अगर देखा जाए तो विल ही मौजूद नहीं है। और एक यहाँ आखिरी पॉइंट ये कहूंगा, आपकी जरूरत है भारत के साथ रिलेशनशिप, भारत की जरूरत नहीं है आपके साथ रिलेशनशिप। ये हम इस चीज को रियलाइज नहीं कर रहे। आप सर्वाइवल मोड में है, वो तरक्कियों पर जा रहे हैं। सर्वाइवल मोड में आपको सबसे पहले फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी आपकी है, पोलिटिकल इंस्टेबिलिटी आपकी है, उनकी नहीं है। वो इस चीज को पाकिस्तान के रिलेशनशिप को आपको ब्लेम करके उसका पॉलिटिकल फायदा तो वो उठाते हैं इलेक्शन के दौर में,
लेकिन आप बुरे तरीके से पिस रहे हैं, गुर्बत की चक्कियों में पिस रहे हैं। आपकी जरूरत है इस वक्त भारत के साथ अच्छे रिलेशनशिप और ट्रेड आपकी जरूरत है। ठीक है सर, इसमें एक चीज ये भी ऑब्जर्व करने वाली है, नोट करने वाली है कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट हो, पाकिस्तान के अदारे हो, स्टेब्लिशमेंट हो, क्या ऐसा हम करें कि इंडिया को जो इश्यू है मतलब क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म का, वहां से हमेशा यही एक मैसेज आता है कि भाई इन चीजों के ऊपर आप कंट्रोल करो तो हम हमेशा हाजिर हैं ट्रेड के लिए, तो ऐसा क्या किया जाए, कोई ऐसी पॉलिसी बनाई जाए जिससे इंडिया ट्रस्ट में आ सके? देखिए, इस वक्त अगर देखा जाए तो उनको सबसे ज्यादा एतराज जो है वो हाफिज सईद साहब के और इस तरह के दूसरे लोगों के उनके बिल्कुल एतराजात हैं। वो अक्सर वो कहते हैं आप सबसे एक तो उनको देखें, आपने कहा हमने उन्हें सजा दे दी, हमने उनको घर में नजरबंद कर दिया, लेकिन उसकी कई वीडियोस मौजूद हैं कि वो लोगों के साथ घूम रहे हैं, वो अंडर पुलिस प्रोटेक्शन है, आदर किसी यूनिफॉर्म एजेंसी उनको प्रोटेक्शन दे रही है, वो सरेआम घूम रहे हैं, जलसों में तकरीरें कर रहे हैं, तो जाहिर उनको तकलीफ होगी। तो मैं वही बता रहा था कि हम जो कहते हैं उस पर अमल नहीं करते। आपको चाहिए कि इस बात को सीरियस लें। जब आप इन चीजों को सीरियस लेंगे, दूसरी पार्टीज को देखेगी। आपको आपका एतमाद का फैक्टर है इस वक्त। आप उनको बिल्कुल आपके ऊपर किसी किस्म का एतमाद नहीं है, क्योंकि कई दफा जिस तरह कारगिल हुआ, कई इस तरह के और वाकयात हुए जिसके साथ इस तरह की जो वो फिजा है वो क्रिएट हो चुकी है। लेकिन मेरे ख्याल में सबसे पहले तो आपको विल शो करनी होगी, बिल्कुल आपको अपना सीरियसनेस शो करना होगा, और उसके लिए किया जा सकता है। डिप्लोमेटिक नॉर्म्स होते हैं, डिप्लोमेटिक तरीकाकार होते हैं। आप हर चीज को अभी तक, मेरे ख्याल में जाती तौर पे पूछें तो अभी तक वी आर नॉट सीरियस अबाउट इट, बट वी हैव टू बिकम सीरियस। अभी तक तो हम आप पाकिस्तान की ना सियासत, ना जमहूरियत और ना ही मुआशियत के बारे में सीरियस हैं, लेकिन जब हम चीजों को सीरियस लेना शुरू करेंगे तो नजर आना शुरू हो जाएगा, दुनिया हमारी तरफ खुद ही चल के आ जाएगी। लेकिन वी हैव टू बिकम सीरियस। मैं जिस तरह हमेशा कहता हूं, पाकिस्तान को बचाने के लिए पाकिस्तानी होना जरूरी है। इस वक्त आप जो आपको जो रूल कर रहे हैं लोग, वो सारे फॉरेन एजुकेटेड हैं, फॉरेन सिटीजन हैं, और ब्रिटिश एजेंट्स जो थे, जो 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 यहाँ पे 1947 से पहले जो ब्रिटिश एजेंट जो सर्व करते थे अंग्रेजों को, उनके पोते दोते जो है इस वक्त पाकिस्तान को लूट रहे हैं, खा रहे हैं। जब तक आप उनसे जान नहीं छुड़ाएंगे, आप कोई भी चीज सीरियस नहीं होगी। आप देखें, एक ऐसा तबका है चौहान साहब इस वक्त, जो एचिसन से पढ़ता है, फिर बाहर से पढ़ के आता है, मनी लॉन्ड्रिंग के तरीके सीख कर आता है और लूटता है पाकिस्तान को, खून चूसता है गरीबों का। मैं सारा दिन पाकिस्तान के खून की खुशबू वॉशिंगटन डीसी, टोरंटो में, लंदन में जाके से देखता हूँ, खून के आंसू रोता हूँ, क्योंकि नजर आ रहा होता है कि किस तरीके से, किस किस्म की वो गाड़ियां चलाते हैं, किस किस्म के वो घरों में रहते हैं, किस तरह के उनके लल्ले तरल्ले हैं, उनकी जाबें क्या हैं, उनकी उनकी हैसियत क्या है। लेकिन अफसोस के साथ 76 साल हो चुके हैं। मेरे ख्याल में अब पाकिस्तानियों को सोचना चाहिए, अपना कोई लोकल लीडर ढूंढें। अच्छा सर, अगर इंटरनेशनल पॉलिटिक्स की बात की जाए, जो इस टाइम फ्रांस की कंडीशन है, क्या कहना चाहेंगे? फ्रांस में जो इस टाइम माहौल बना हुआ है, हम तो उसकी एग्जाम्पल्स देते नजर आते थे, हमारे पॉलिटिशियंस फ्रांस की एग्जाम्पल देते नजर आते थे या इस तरह के कंट्रीज की, कि भाई वहां देखें किस तरीके से लॉ को इम्प्लीमेंट किया जाता है, लेकिन आज जो वहां पे कंडीशन है, क्या कहना चाहेंगे इसके ऊपर? तो ऐसा मेरी नजर में ह्यूमन इंस्टिंक्ट इज द सेम। दुनिया में आज भी अगर देखा जाए तो जंगल लॉ मौजूद है, ताकतवर जो है वो कमजोर को ओप्रेस कर रहा है। ये तो एक यूनिवर्सल प्रिंसिपल है, जहां भी होगा ये इसी तरह होगा। जहां मेजोरिटी होगी वो माइनॉरिटी को ओप्रेस करेगी, सुप्रेस करेगी। और अगर देखा जाए तो ये सिर्फ फ्रांस का मॉडल नहीं है, ये पूरे यूरोप का मॉडल है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जिस तरीके से वहां पे मर्दों की किल्लत हुई, फिर उन्होंने जिस तरीके से बाहर से, आपने जहां कानूनी थी स्पेशली, वहां से लोगों को ला के आबाद किया, उनसे लेबर तो ली उनको, लेकिन उनको उनको इंसान, पुलिस ने जो स्टेटमेंट दी है कि वो गाड़ी लेकर हमारे ऊपर चढ़ा है, मैंने खुद उस वीडियो को देखा है, बिल्कुल वो पुलिस के ऊपर गाड़ी लेकर नहीं चला चढ़ा था, दोनों पुलिस वाले साथ खड़े थे। लेकिन ठीक आज पूरा फ्रांस भी जल रहा है। और एक 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 चोर साहब, ये भी मैं चीज बताना चाहता हूं, ये जो सारे हंगामे, ये सारी जो एक 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 पूरी हंडिया फटती है, तो वो एक दिन में नहीं फटती, उसके पीछे कई अवामल मौजूद होते हैं। ऐसा वाकया ये फ्रांस के अंदर पहली दफा नहीं हुआ, पहले भी कई दफा हो चुका है। और दूसरा, मैं यहां पर यह भी बताना चाहूंगा कि फ्रांस की पुलिस ब्रुटैलिटी के लिए पूरी दुनिया में पहले भी मशहूर है। यहां पे यह भी बताना चाहूंगा कि फ्रांस एक पुलिस स्टेट है, यूरोप के ज्यादा ममालिक पुलिस स्टेट्स हैं। जिस तरह हमारे अमेरिका के अंदर इस वक्त हमारे राइट्स हैं अगेंस्ट द पुलिस, उस तरीके से उनके राइट्स नहीं है वहां पे। आज के सरकमस्टांसिस के लिहाज से 3500 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है, 800 पुलिस वाले जख्मी हैं,
इस वक्त 1100 बिल्डिंग्स को डैमेज किया जा चुका है, 269 पुलिस स्टेशन जो हैं उनको उनके ऊपर हमले हो चुके हैं। और और दूसरा, मैं जो आज इसके बारे में खुद अपने आप को एजुकेट कर रहा था, तो जो अफ्रीकन अमेरिकन जो अरबी जो गाड़ियां चला रहे होते हैं उनके 20% ज्यादा चांसेस हैं कि पुलिस उनको रोक के उनसे सवाल करे। तो इस दे नीड टू वर्क ऑन इट। और देखा जाए, अगर ये पहला स्टेप नहीं, मैं थोड़ा सा एक स्टेप पीछे जाना चाहूंगा, सरकोजी साहब द वे ही इज रनिंग द फ्रांस, इससे पहले रिटायरमेंट के बारे में उन्होंने एक अपना मसल फ्लेक्स किया, यू कैन नॉट गो, दिस इज 21st सेंचुरी है, यू कैन नॉट ट्रीट पीपल लाइक शीप्स और समथिंग। लेकिन आपने मेजॉरिटी की बात की, माइनॉरिटी की बात की, आपने बोला दुनिया में कोई भी ऐसी स्टेट है जहां पे माइनॉरिटी मेजॉरिटी वाला कंसेप्ट होगा, कहीं ना कहीं इश्यूज होंगे। यूएस में क्या एक सिंगल लॉ नहीं है? क्या एक ही कानून के तहत मुस्लिम, हिंदू, ईसाई जो भी यूएस में रह रहे हैं, क्या वो एक लॉ को फॉलो नहीं करते, यूनिफॉर्म लॉ को? नहीं, यूनिफॉर्म लॉ को फॉलो करते हैं, लेकिन लॉ, मैं एक सबसे बड़ी आपको बात बताना चाहूंगा कि जो जो आप देखते हैं जो स्टैचू है उसका, जस्टिस का, उसकी आंखों में पट्टी होती है। मैं खुद एक बहसीते वकील आपको भी बताना चाहता हूं कि लॉ को, मैं एक छोटी सी मिसाल आपको देना चाहता हूं, मैं जब लॉ स्कूल में यहां पे पढ़ रहा था तो हमारी एक्सरसाइजेस होती थी, एक केस स्टडी दी जाती थी और उसके तीन जवाब मांगे जाते थे जो कि तीनों के तीनों जवाब ठीक होते हैं। एक उसका डिफेंस एज ए डिफेंस अटर्नी उसका जवाब देना होता है, वो भी ठीक होता है। एक एज अ प्रोसिक्यूटर देना होता है, वो भी जवाब ठीक होता है। तीसरा एज अ जज उसका जवाब देना होता है सेम केस का, और वो जवाब भी ठीक होता है। तो मैं बताना ये चाहता हूं कि लॉ की इंटरप्रिटेशन में फर्क होता है। अब मैं एक छोटी सी बात बताना, लास्ट पॉइंट ऐड करना चाहूंगा, ज्यूरी के सामने आपका केस जाता है, अगर ज्यूरी रेप है किसी खातून का और ज्यूरी के अंदर ज्यादा खवातीन है तो अल्टीमेटली उनकी सिंपथी जो होगी वो खातून के साथ होगी। अगर किसी अफ्रीकन अमेरिकन किसी काले का केस है, ज्यूरी के अंदर ज्यादा काले हैं तो जाहिर है उसकी तरफ वो लीन करेंगे। ज्यादातर अगर मैं आज आपको एक और बात बताना चाहता हूं, जब मैं यहां पर लॉ कर रहा था हमें कानून लॉ स्कूल में यह बताया जाता था कि कोर्ट और ज्यूरी ऑलवेज स्टैंड विद द वीक पर्सन। एक बंदा, आप अगर आज केस करना चाहें, आप एप्पल के ऊपर केस करें तो ज्यूरी आपका साथ देगी, एप्पल का साथ नहीं देगी। आज आप टोयोटा गाड़ियों के ऊपर आप केस करें तो ज्यूरी और जज जो है वो आपकी तरफ ज्यादा सिंपथाइजर होगा वर्सेस उस कंपनी के। तो ये जस्टिस जिसकी आप बात कर रहे हैं, ये किताबों की हद तक तो ठीक है, लेकिन मेरे वालिद साहब वकील थे, 1958 में वो लॉ स्कूल गए, तो वो हमेशा ये कहते थे कि लॉ सिर्फ गरीब आदमी के कोई ख्वाब ही देता है, जस्टिस नहीं देता। आपको देखा है एक दुकान का केस चलता है 40-40 साल पाकिस्तान में चलता है। आज आपकी अदालतें सिर्फ एक इंसान के लिए, एक आदमी के लिए, इस तरह लग रहा है जिस तरह पीटीआई की अदालतें हैं, सिर्फ उनको 5.5 लाख केस हैं इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में, लेकिन सिर्फ उनकी तवज्जो एक केस के ऊपर है। तो मैं वो पूछता हूं फिर जस्टिस किधर से आएगा वो? और बिल्कुल उसी तरह अमेरिका के अंदर हो रहा है। अब मैं इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप साहब की मिसाल देना चाहूंगा, उनके ऊपर सबसे बड़ी एलिगेशन ये है कि व्हाइट हाउस से जाती दफा वो कागजात को साथ लेके डॉक्यूमेंट को सेंसिटिव डॉक्यूमेंट से, यही डॉक्यूमेंट जो बाइडन साथ लेके गए थे तो कानून नहीं तोड़ा गया, यही डॉक्यूमेंट बराक ओबामा लेके गए थे तो कानून नहीं टूटा, यही कागजात बिल क्लिंटन लेकर गए तो कानून नहीं टूटा, लेकिन आज टूट चुका है। तो कानून डिपेंड करता है कि हुज इन पावर, ताकत में कौन बैठा, वो कानून उसकी बांदी बन जाता है, उसकी लौंडी बन जाता है, एंड ही डिक्टेट्स द हिज ओन टर्म्स इन द लॉ। ठीक है सर, इंडिया में भी यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात हो रही है और बहुत से मतलब वहां के जो गवर्नमेंट है उन्होंने मशवरा लिया है तमाम सेक्टर से, तमाम मजहबी फिरकों से मशवरा लिया है। सुनने में ये आ रहा है, खबर ये आ रही है कि मुसलमानों को कुछ को इश्यूज है कि भाई शरी ला और यूनिफॉर्म सिविल कोड ये इश्यूज हैं आपस में। क्या समझते हैं यूएस में, पाकिस्तानी हो या इंडियन हो, हिंदू हो या मुस्लिम हो, वो वहां पे जाके यूएस के रूल को इम्प्लीमेंट करता है के ऊपर फॉलो करता है और वहां पे मानना पड़ता है, जबकि हमारे यहाँ पे अगर कोई इस तरह की चीज आती है तो उसके ऊपर हम ये कहते हैं कि ये मजहब के खिलाफ है या ये चीजें हैं, आप इसके ऊपर क्या कहना चाहेंगे? वैसे मैं आपको जाती तौर बताना चाहूंगा कि मुझे अमेरिका के अंदर सऊदी अरब से ज्यादा मजहबी आजादी है इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से। हाँ, मैं ये जरूर बताना चाहूंगा, इस वक्त आपको इतला के लिए अर्ज है कि सऊदी अरबिया के अंदर जुमे का जो खुतबा होता है वो गवर्नमेंट लिख करके भेजती है और आपका मौलवी उसके एक लफ्ज आगे पीछे नहीं जा सकता। अब उसके प्रोज एंड कॉन्स हैं, उसके ऊपर अगर देखा जाए तो जिस तरह आपके 72 फिरके हैं तो आपने एक एक गली में 6-6 मस्जिदें हैं और आपकी जब अजानें शुरू होती हैं तो वो 2-2 घंटे अजानें ही खत्म नहीं होती। एक मस्जिद वाला जो सामने से दूसरा मौलवी गुजरता है उसको पत्थर मारता है, एक मौलवी दूसरे को सुबह शाम कहता है ये काफर है, ये काफर है। आपने दर हकीकत इस्लाम को इतना कॉम्प्लिकेट कर दिया है। अगर देखा जाए, मैं आज आप
आपको एक छोटी सी मिसाल देना चाहता हूँ। बहुत अरसा पहले हमारे भेरा शरीफ के पीर करम अली शाह साहब, जो कि अल अजहर यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए थे, वो एक एक बार रूम में आए। तो मैं उस वक्त अभी यंग लॉयर था, तो मैंने उनसे ये क्वेश्चन किया था कि मोहतरम आप इतना पढ़े हैं, अजहर यूनिवर्सिटी से आप पढ़ कर आए हैं, पीर करम अली शाह हैं, आप अथॉरिटी हैं इस्लाम पर, दुनिया में कोई ऐसा मुल्क है जिसको आप ट्रू इस्लामिक कंट्री कह सकते हैं? तो उन्होंने कहा था नहीं, दुनिया में एक भी ऐसा कंट्री नहीं है जिसको ट्रूली इस्लामिक कंट्री कहा जा सके। हम मुसलमानों ने शरिया को इतना कॉम्प्लिकेटेड कर दिया है कि वो इट हैज बिकम नॉन एनफोर्सेबल इंस्ट्रूमेंट। हमने हमें जो हमारे मजहब ने, हमारे पैगंबर ने एक मैसेज दिया था इज्तिमा और इज्तिहाद, कि अपने मजहब को वक्त के साथ साथ वसत देते जाओ, लेकिन हमने मजहब को कारोबार बना के उसको बंद डब्बे में बंद कर दिया है ताकि लोग इससे मुस्तफीद ना हो सके। यही हमारा आलमिया है। और भारत के अंदर मैं जिस तरह आपको बताना चाहूंगा, रंग रंग की बातें हैं। आप भारत की बात करते हैं, मैंने कई भाइयों मुसलमान भाइयों को इंग्लैंड में देखा है, वो कहते हैं हम इंग्लैंड के अंदर शरिया इन्फोर्स करेंगे। भाई जहां के आप पैदा हुए वहां तो शरिया इन्फोर्स नहीं हो रही है, लंदन में किस तरह इन्फोर्स कर लोगे? तो ये दर हकीकत एक मेरा वी आर कंफ्यूज्ड। हमें एक यूनिफॉर्म इस्लाम नहीं बताया गया। मुझसे आज अगर जाती तौर पे पूछे कि आप किस किस्म के मुसलमान हो, तो मैं ये सिर्फ एक यही जवाब देता हूं कि मैं सिर्फ मुसलमान हूं, एक किताब एक रसूल के ऊपर मेरा यकीन है। मैं किसी को ये नहीं कहता कि मैं सुन्नी हूं, बाबी हूं, मैं देवबंदी हूं, मैं अहले हदीस हूं, मैं फला हूं, मैं शिया हूं, मैं ये हम लोग यही प्रॉब्लम है हमारे साथ, यही प्रॉब्लम कि हम लोगों ने इस्लाम को सही समझने की कोशिश नहीं की। सबसे पहले हमारी इस्लाम से ज्यादा दूरी इसलिए है कि हमें अरबी जबान नहीं आती पाकिस्तान के अंदर। दूसरा, हमने मैं बल्कि पंजाब यूनिवर्सिटी के अंदर स्टूडेंट था चौहान साहब, तो मैंने एक दफा सर्वे किया था, पोस्ट ग्रेजुएट लेवल के 95% स्टूडेंट्स को नमाज तर्जमे के साथ नहीं आती थी। तो नीचे लोगों की हालत क्या होगी? आपके घर के अंदर जो आंखों से बिल्कुल नाबीना होता है उसको हाफिज साहब बनाकर इमाम मस्जिद बना दिया जाता है, तो फिर वो कौम की तरबियत क्या करेगा? कहते हो ये जो जी मैटर कर लेगा तो फौज टूट जाएगा, अन्ना है वापस बना के मस्जिद छाड़े। फिर उसके बाद आप रिजल्ट देख रहे हैं, आप 25 करोड़ लोग हैं, वो देखे ना इमरान खान साहब जो है आपने उनको जिंदा पीर मान लिया है, सारी दुनिया उनको मुर्शद मुर्शद कह रही है, खातून उनकी काले बकरे दे रही है, कभी 19 किलो मिर्चें जला रही है, लोग बच्चे जो है उनके घरों के गेट को जाके चूमते हैं, कहते हैं ये जिंदा पीर। तो फिर ये रिजल्ट निकलता है जब आपकी इस्लाम की तरबियत ठीक ना हो। ठीक है सर, अभी कुछ दिन पहले मतलब आपसे बात नहीं हो पाई थी, आप मसरूफ थे, आपकी मसरूफियत की वजह से हम आपका टाइम नहीं ले सके, लेकिन कुछ दिन पहले जो पीएम मोदी का यूएस में विजिट था, वहां पे इंडियंस थे, जो यूएस में इंडियंस थे उनकी क्या फीलिंग थी, और पाकिस्तानी इस विजिट को यूएस में जो मौजूद थे जैसे आप हैं, आप जैसे बहुत से पाकिस्तानी है, वो क्या फील कर रहे थे? और सेकेंडली, जितनी तेजी से यूएस का झुकाव इंडिया की तरफ हमें देखने को मिल रहा है, वो अमेजोन हो या एलन मस्क की कोई कंपनी हो या जिस तरीके से बड़ी बड़ी कंपनीज हैं वो वहां पे जाके इन्वेस्टमेंट करने जा रही हैं, क्या कहना चाहेंगे आप इसके ऊपर? देखिए, इस वक्त इंडिया की तरक्की जो है वो बिल्कुल उसको कोई किसी तरीके से भी रोका नहीं जा सकता। दो चीजों को उन्होंने भरपूर फायदा उठाया। एक तो उन्होंने अपनी दुश्मनी चाइना के साथ अमेरिका को बेची और अमेरिका ने खरीदी, आपने भी बेचने की कोशिश की, आपने अपनी इंडिया की दुश्मनी जो है चाइना को बेचने की कोशिश की, वो भी बिक रही, आपकी भी बिक रही, लेकिन उन्होंने चाइना की दुश्मनी को अमेरिका के सामने बेचा है और बिकी। और दूसरी उसमें बात यह है कि उनके पास इंटेलेक्ट मौजूद है, उनके पास इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मौजूद है, उनके पास अजय बंगा मौजूद है, उनके पास कैमला हैरिस मौजूद है, उनके पास निक्की हेली मौजूद है, उनके पास विवेक रामा स्वामी मौजूद है, उनके पास यहाँ 5 कांग्रेसमैन मौजूद है, हमारे पास क्या है? हमारे पास आज भी भुट्टो जिंदा है, हमारे पास आज भी देख लें आप हमारे जो हालात है, IMF के घुटनों पर पड़े हैं, नाक रगड़ रहे हैं आप, और उसके अंदर भी इंडिया का इन्फ्लुएंस है। आपको इंडिया IMF का पैकेज जो जलीलो ख्वार करके देना सारी इंडिया की मर्जी से हो रहा है। अब मैं ये छोटी सी बात बताना चाहूंगा आपको कि मूविंग फॉरवर्ड भारत का जो इन्फ्लुएंस अमेरिका के अंदर है तो वो इस तरीके से कि वही इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से लोग जो पढ़ के यहां आए थे वो यहां पे अमेरिकन कंपनियों के CEO बन चुके हैं, और इस वक्त जो चाइना है, चाइना अमेरिका का जो ख्वाब है कि चाइना से की उस पे डिपेंडेंसी को खत्म किया जाए, तो वो सारा कारोबार चाइना से उठा के वो इंडिया लेके जा रहे हैं, क्योंकि यहां उन कंपनियों के CEO भी वो हैं, तो उनकी तरक्की को नहीं रोका जा सकता। मोदी जी का ट्रिप था रैकेट ट्रिप था। मैं बताने की कोशिश करता हूं वो कैसे। मोदी जी के अलावा सिर्फ आज तक विंस्टन चर्चिल और इजराइल के प्राइम मिनिस्टर ने कांग्रेस से 2 दफा स्पीच की,
सो ही हैड मेड द हिस्ट्री हियर, नंबर वन. दूसरा उसकी सबसे बड़ी बात यह है कि वो शोकेस करके गए हैं, उन्होंने एक लफ्ज इस्तेमाल किया था, वो विल बिल्ड अ टनल ऑफ इंटेलेक्ट. उन्होंने कहा आपके पास टेक्नोलॉजी है, हमारे पास यूथ है, हम उनको दोनों को इकट्ठा करेंगे. अब आप उसका जवाब दे लेंगे उसको, आप क्या कर रहे हैं, सर, आप पकौड़े टाल रहे हैं. हमें भी यहाँ पे यही कहा जाता है, पाकिस्तान में यही मैसेज दिया जाता है कि पाकिस्तान में यूथ है, बड़ा टैलेंट है, 53%, 56% यूथ नहीं, यूथ में नहीं, आपका यूथ जो है 300 बंदा किश्ती में मर गया यूथ हो जाकर ग्रीस के पास, आपका यूथ डूब के मर रहा है, पैदल भाग रहा है यहां से. आप जिन लोगों की बात करते हैं, जो लोग आपको रूल कर रहे हैं, उनके बच्चे वाकई बाहर पढ़ रहे हैं, और जो वो वाकई दूसरों को पढ़ने नहीं देना चाहते. मैं जख्मी हूं क्योंकि उनमें से कई लोग मेरे मंडी बहुदीन से थे, मैं जख्मी हूं कि उनमें 300 बंदों में से गुजरांवाले और सियालकोट के लोग थे. मुझे लगता है मैं खुद उस किश्ती में मौजूद था. ऐसे ही है। वो मोदी साहब टनल बनाएंगे, आप किश्तियों में डूबते मरते रहेंगे. ये पहली ना किश्ती डूबी है ना आखिरी है, क्योंकि अभी तक किसी फर्दे वाहिद ने पाकिस्तान की तरक्की का मंसूबा अभी तक नहीं बनाया. ठीक है किसी फर्दे सर, वाहिद ने अभी तक नहीं, किसी फर्दे वाहिद ने डिजिटल पाकिस्तान का नाम नहीं लिया अभी तक. अभी तक आपने सिर्फ IMF के कर्जे, UAE से लोन, सऊदी अरेबिया से इमदाद, चाइना से लोन लेने की बातें की हैं. किसी ने यह बात नहीं की कि हम अपना एक्सपोर्ट बढ़ाएंगे, किसी ने यह नहीं कहा कि हम यहां फैक्ट्रियां लगाएंगे, किसी ने अभी तक यह नहीं कहा कि हम ज़राअत को अपलिफ्ट करेंगे. किसी ने कहा है तो मुझे बताएं, मैं गाइड करें मुझे प्लीज. ऐसे ही है सर, लेकिन अब आपने सोदिया की बात की, अभी सोदिया ने भी कुछ दिन पहले पाकिस्तान को वार्न कर दिया कि पाकिस्तान पे की तरफ जो पैसे हैं वो वापस दिए जाए, अदरवाइज पाकिस्तान की फ्लाइट सोदिया में नहीं उतर सकती, ये ऐसी खबर आई है। मतलब हमारे करीबी दोस्त, हमारे इस्लामी ब्रादर दोस्त हमारे साथ अगर इस तरीके से करेंगे तो फिर हम तो ना यहाँ के रहे ना वहां के। आप पहले भी ना इधर के हैं ना उधर के, आप 76 साल से ऐसे ही जलीलो ख्वार ही हो रहे हैं. लेकिन मैं इसलिए कह रहा था, सऊदी अरेबिया की बात कर रहा था, कि इस वक्त नवाज शरीफ साहब जो है वो UAE से बार बार कभी सऊदी अरेबिया जाते हैं, कभी UAE आते हैं, तो वो चीजों के कईयों के सौदे करके अपनी डीलें बना कर आएंगे. मैं आपकी इतला के लिए अर्ज करना चाहता हूँ कि UAE आपके एयरपोर्टों को खरीदने के लिए बिल्कुल तैयार बैठा है. स्टील, आपकी स्टील मिल के अंदर रशिया इंटरेस्टेड है, वो लेना चाहता है उसको. आपकी अभी हर एक चीज बिकेगी. लेकिन अब सोचना यह है कि उनके पैसे पाकिस्तान में रुकेंगे या चंद घंटों में लंदन पहुंच जाएंगे, ये लंबा फिक्रिया है. क्योंकि पाकिस्तान के अंदर डॉलर लाना कोई तो बड़ी बात नहीं है, 76 साल से डॉलरों की बारिश हो रही है, लेकिन डॉलर रुक नहीं रहे वहां पर. ये इशू है इस वक्त, और वो किसी इस बिली के गले में किसी फर्दे मोमन को घंटी बांध रही होगी. ठीक है ये चैलेंज है. सर, आपसे एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन पूछना है। मैंने आपके बारे में जब सारा डिटेल से स्टडी किया, मैंने देखा पाकिस्तान के जो टॉप लिस्टेड पॉलिटिशियंस हैं, पाकिस्तान के बड़े बड़े पॉलिटिशियंस हैं, वो आपके आपके साथ नजर आते हैं मशवरे के लिए, या जो मीटिंग्स होती हैं आपसे वो मशवरा तो लेते हैं, उस मशवरे पे इम्प्लीमेंट करते हैं या नहीं इसके ऊपर बात करेंगे। लेकिन जो ग्रीस में कश्ती डूबी उसमें मोस्टली पाकिस्तानी थे, वो कश्मीर से बिलोंग करते थे, उस कश्मीर से बिलोंग करते थे जो आजाद कश्मीर है, तो क्या कहना चाहेंगे, आजाद कश्मीर के लोग डूब रहे हैं और जिसे मकबूजा कश्मीर हम लोग कहते हैं वहां पे डेवलपमेंट हो रही है। सर, UAE की जितनी इन्वेस्टमेंट इस वक्त आपके कश्मीर में इंडिया वाले साइड पे जिस तरीके से हो रही है, जिस तरीके से वो हाईवेज को बना रहे हैं, जिस तरीके से उन्होंने दुनिया का सबसे ऊंचे ऊंचा और लंबा पुल बनाया है, ब्रिज बनाया, मैं हमेशा ये कहता रहा हूं अपने पाकिस्तानी भाइयों को, लीडरों को, इसके बाद क्या करोगे, अपने अपने वाली साइड के कश्मीर को क्या बताओगे, उनको किस तरह रोकोगे, ये क्वेश्चन है ये. सर ये अब तो सोशल लेकिन मीडिया का मैं दौर है, अब तो सोशल मीडिया का दौर है, कोई छुपाना चाहे भी तो छुपा नहीं सकता। मैं झूठ बोलूंगा, लेट्स सपोज मैं कहूंगा पाकिस्तान में बहुत पीस है, पाकिस्तान के जो साइड कश्मीर है बड़ी डेवलपमेंट है, अब सोच वो तो खुद रोना रो रहे हैं, वो तो खुद गिले शिकवे कर रहे हैं, तो कैसे हम छुपा सकते हैं। अब वो बहुत मुश्किल, अखबारों वाला दौर तो रहा नहीं कि हम अखबार पे जो अपनी मर्जी का लिखें। बिल्कुल मैं ये समझता हूं, ये सबसे बड़ा चैलेंज आपके लिए होगा कि आजाद कश्मीर के लोगों को किस तरह आप सेटिस्फाई करेंगे कि मकबूजा, आज जिसको आप मकबूजा कश्मीर कहते हैं, वहां की तरक्की जो है, वहां पे जो दूध की नहरें चलाने लगे हैं मोदी साहब, चला रहे हैं, आप उस किस तरीके से उनको बताएंगे कि हम क्या. लेकिन आप यही कह सकेंगे ना, यार देखो असी भी भूखे बैठे हैं, तुम भी भूखे बैठे हो, देखो ना जी असि भी आप गरीब लोग हैं, इधर मर गए हैं,
साढ़े को कख नहीं, लेकिन ये किस तरह आगे चलेगा नहीं। अभी तक मैं मायूस हूं पाकिस्तान के हवाले से कि अभी तक पाकिस्तान के पास कोई सलूशन मौजूद नहीं है। हमारे अमीरुल मोमिनीन जो है, जो रिलीजियस पार्टी के लीडर है खान साहब, वो हमेशा ये कहते हैं कि मैं ओवरसीज पाकिस्तानी के पैसे लेकर आऊंगा और यहाँ दूध की नहरें चलेंगी, जो कि एक रॉन्ग आइडिया है। पता नहीं ऑक्सफोर्ड से उन्होंने क्या सीखा है। अब मुल्क जब तक अपने पांव पे नहीं खड़े होते वो सरवाइव नहीं कर पाते। आपको एक्सपोर्ट की और मैन्युफैक्चरिंग की जरूरत है,